यार हमने अक्सर सुना है ना कि वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन कम होता है। लोग आपको ज्ञान देते हैं कि यार चिकन खा, मटन खा, प्रोटीन कैसे पूरा होगा, एग्स खा लो या फिर वे प्रोटीन ले लो। वेल, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है, बट अगेन जो लोग वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनको उसकी क्वालिटी पे डाउट है, उनके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्रोटीन वेज सोर्स है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वेल, अगेन ये प्रोटीन सोर्स एक दाल है जो कि पहाड़ों में ज्यादा पाई जाती है। इसे बोलते हैं भट की दाल, या फिर आप इसे इन जनरल टर्म्स में जानते हैं ब्लैक सोयाबीन। आज मैं आपको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो एक ड्राई तरीका है, खासकर वो लोग जो घर से बाहर रहते हैं, स्टूडेंट्स या फिर लोग जो जल्दी में होते हैं, जिनको फटाफट खाना बनाना होता है और उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता, उनके लिए रेसिपी बहुत काम करने वाली है। मैंने इसे नाम दिया है पहाड़ी प्रोटीन पास्ता। मैंने टेस्ट में थोड़े चेंजेस करे हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, जो आप भी कर सकते हैं। जितना कम तला भुना खाएं उतना अच्छा है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए आगे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। दैट्स ब्लैक सोयाबीन, और इसको हम भिगाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये रखी हुई है भीगी हुई 50 ग्राम भटकी दाल। इसमें थोड़े से चावल डाले हैं क्योंकि जब आप इसे बनाएं तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, और ये थोड़ा देर तक पकाना होता है इसको, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा चावल डालते हैं ताकि इसकी थिकनेस बढ़े और हम इसे आसानी से पका पाए। इसे ग्राइंड कीजिए, जो कि हार्डली 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा। एक बात का अपने को खास ध्यान रखना है, वो ये कि ये दाल सिर्फ और सिर्फ लोहे की कढ़ाई में ही बने, क्योंकि इससे आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ये दाल आयरन से रिएक्ट करके अपना टेस्ट भी बदलती है और कलर भी, जो कि आप देखेंगे। और अगेन, क्योंकि पहाड़ी खाना है तो ज़्यादातर पहाड़ी खाना सिर्फ घी में ही बनाया जाता है, तो अगेन मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम इसमें यूज़ करते हैं लहसुन प्याज, कुछ लोग इसमें अदरक भी डालते हैं, मैं अदरक यूज़ नहीं करता। टमाटर तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैंने देखा है कुछ लोगों को टमाटर यूज़ करते हुए, बट वो आपका टेस्ट ख़राब करेगा। प्याज के साथ साथ हम इसमें डालेंगे हींग, हरी मिर्च, आप चाहे तो लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, और साथ में धनिया, हल्दी, बेसिक इंग्रेडिएंट जो डालते हैं किसी भी दाल में। बस हम इसे ड्राई बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जब इसे बनाते हैं तो इसे ग्रेवी वाला बनाते हैं, लाइक प्रॉपर दाल की तरह, जैसे आप चावल के साथ खा सकते हैं। मेरी इंटेंट है कि मैं इसे ड्राई बनाऊँ और जल्दी बनाऊँ। थोड़ी सी हींग, सबको पता ही है हल्का सा लाल हो जाना चाहिए, बताने की कोई बात नहीं है। इसी में डालूंगा थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च। टेस्ट के लिए आज लाल मिर्च यूज करते हैं आप लोगों के लिए। बस जी, इसको थोड़ा सा चलाएं। जैसे कि ये मसाले सिक चुके हैं तो मैं पेस्ट को भी इसमें मिला दूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालता जाऊंगा। एक ऐसी चीज़ जो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलानी है वो है नींबू। नींबू डालते ही ये दाल कड़वी हो जाती है और इसका कलर भी रेड हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ना रहें, भरोसा करें, दाल कड़वी भी होगी और दाल का कलर लाल हो जाएगा। तो इसमें नींबू बिल्कुल नहीं डालना है। आप लोग चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया। अभी इसको कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में है तो ये नीचे लग सकता है। जैसे ही मसाले मिक्स हो गए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, और ये पानी सोखता जाएगा क्योंकि ये दाल की तरह बनता है। बट अगेन, मैं यहाँ पर खड़ा रह के पानी की क्वान्टिटी चेक करता रहूँगा। मेरे 5 से 7 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो मिलेगा जो मुझे खाना है। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे।
जैसा कि मैंने बोला था कि दाल अपना कलर चेंज करेगी, तो उसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं हल्के हल्के ये ग्रीनिश होने लगी। अब जैसे आप देख सकते हैं ये बढ़िया ड्राई भी हो गया है और ये पक भी रहा है, अच्छी तरीके से कलर चेंज हो चुका है, सिक रहा है बढ़िया से। तो हार्डली 5 और मिनट, इतना टाइम तो नॉर्मली अगर आप इसकी दाल भी बनाएंगे, भट की दाल तो भी इतना टाइम लेती है। अब इसमें डालेंगे नमक, तो आप जैसा कि देख सकते हैं एकदम ड्राई पका हुआ बढ़िया रेडी है आपका पहाड़ी प्रोटीन पास्ता। चलिए इसे सर्व करते हैं। और फाइनली जब ये रेडी है तो मैं इसके ऊपर से घी डालूंगा। जैसा कि मैंने बोला कि मैं प्रेफर करता हूँ जितना कम गरम किया हुआ या फिर सेका हुआ घी हो, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं रेडी है आपका रिच प्रोटीन पास्ता। इसमें कितनी क्वांटिटी प्रोटीन की है, कार्ब्स की है, मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ साइड बाय साइड, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।